रोल है ओके. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फिल्म 30 मिनट्स जो कि अब 11th ऑफ नवंबर को आ रही है जी. तो लेडीज फर्स्ट ऑफ कोर्स ऑलवेज ऋषिता जी क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में लेडीज फर्स्ट तो आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म 30 वर्ल्ड में लेडीज फर्स्ट पूरे वर्ल्ड में लेडीज फर्स्ट आई थिंक अब ले रहे हैं जी भी आने वाली है तो अच्छा तो लेडीज इनको पहले न्यूज़ मिली है. हम तो कल तक डिबेट कर रहे थे ट्रंप सोच रहे हैं कौन है. ओके फिल्म 30 मिनट्स तो ये इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि कई सारे लोगों को लग रहा है कि क्या ये फिल्म सिर्फ आधे घंटे की है लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म 30 मिनट्स. मुझे तो ज़्यादा कुछ अभी क्लैरिफाई करने का दिल भी नहीं हो रहा है बिकॉज ये जो क्यूरियोसिटी बन गई है 30 मिनट्स की फिल्म है 2 घंटे की फिल्म है 3 घंटे की बट एक्चुअली ये 2 घंटे की फिल्म है एंड इट्स अ थ्रिलर. तो 30 मिनट्स एक ऐसा टाइटल है जो ऑब्वियसली पीपल व्हेन दे से 30 मिनट्स टाइम जो ऐसा होता है जैसे जो लोग हिंदी स्पीकिंग भी होते हैं वो 30 मिनट्स समझ जाते हैं क्या है. तो ये टाइटल बहुत कैची है थ्रिलर है थ्रिलर्स बहुत कम बनते हैं हमारे देश में एंड आई थिंक मुझे लगता है मैंने ये फिल्म इसीलिए साइन की थी क्योंकि ये थ्रिलर थी एंड साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स अच्छे से बनाना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट स्क्रिप्ट्स टू हैंडल एज डायरेक्टर एक्टर और एज अ टीम. तो इट्स कमेंडेबल कि ऐसी टाइप की स्क्रिप्ट मुझे ऑफर की गई थी. ऑफकोर्स फिल्म में इफ यू कंपेयर इट आई विश आई कुड डू लॉट मोर बट इट्स जस्ट दैट कि फिल्म में जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी मिस्ट्री भी रहेगी मेरे किरदार को लेकर एंड अक्सर ये होता है कि थ्रिलर्स में काफ़ी कुछ चीज़ें होती है इंटरवोवन एंड मैसेज भी होता है. तो आई होप पीपल कैन गो एंड वॉच दिस फिल्म एंड 30 मिनट्स एक्साइटिंग है एंड लोगों को पसंद आएगी बिकॉज वो पास पेस्ड है एजी है एंड जब आप प्रोमो देख रहे हैं वी आर गेटिंग गुड फीडबैक एंड रिव्यू सो आई एम होपिंग एवरीबडी गोज एंड वॉचेज इट. 30 मिनट एक्साइटिंग है हम सभी को पता है 30 मिनट एक्साइटिंग है लेकिन आपका जो किरदार होगा वो किस तरह का होगा थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे क्योंकि वेल अब आप सोचिए अगर मुझे किसी साइको से प्यार हो गया और मुझे पता नहीं वो साइको है तो क्या होगा. इन्होंने बनाया तो ये यीशु जी सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आई थिंक जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपका डेब्यू कर रहे आप करें जी. ओके तो साइको लोग आपको बना रहे हैं क्योंकि शूटिंग के दौरान ही बन चुके थे साइको साइको बन चुके. एक्चुअली देखो पिक्चर बनाते टाइम क्योंकि एक तो बॉलीवुड में पहली फिल्म कर रहे हैं और बेसिकली आई एम फ्रॉम साउथ ना केरला तो और मैं हिंदी हाँ अभी तो मैं काफ़ी सीख चुका हूँ और सब्जेक्ट भी मैंने बड़े कॉम्प्लिकेटेड उठाया और साइको थ्रिलर में वो एक अब शुरू से लेके अब तक जब मेकिंग है पूरे जो एंटायर जो पीरियड में जो है वो करते करते अभी तो सब लोग मुझे कहने लगे कि आप साइको हैं ऐसे बोलने लग गया मतलब मैं भी हो चुका हूँ ऐसे लगता है क्योंकि वो सब्जेक्ट में हम इतनी ज़्यादा घुस चुके हैं तो उसको क्रिएट करने में बहुत सारी चीज़ें हम करते करते उतना मेंटालिटी वैसे होने लग गया मतलब ये है. बाकी पिक्चर में मैं नहीं हूँ मतलब हाँ मैंने बनाया ज़रूर है बाकी आप पिक्चर देखेंगे तो मैं इतना अच्छा पर्सनालिटी नहीं हूँ इतना जो फोटोजेनिक नहीं होता हूँ इंदेन जी के सामने साइको के लिए साइको आपको काम करने का अगर इच्छा हुई तो मतलब इन्होंने मैं मना करूँगी मैं ऑफर कर सकती हूँ पर ये मुझे करेंगे तो मैं मना करूँगी. अरे ऐसा क्यों ये डायरेक्टर अच्छे हैं बहुत एक्टिंग पहले पहले तो इनकी एक्टिंग में मैं साइलेंट फिल्म बनाना चाहूँगा. वाह हाँ ये हो सकता है क्योंकि ही स्टिल गेटिंग हिज हिंदी ब्रश्ड. अच्छा बट ऑन अ सीरियस नॉट 30 मिनट्स एक ऐसी फिल्म है जो आपको भले ही इट्स थ्रिलर और एक छोटा सा मैसेज भी होता है. हम बहुत लोगों को कहते हैं टाइम एंड टाइम बाउंड है हम सब इंसान भी तो टाइम बाउंड ही हैं वक्त हम पंक्चुअलिटी को लेके बहुत कुछ बड़े मुद्दे उठाते हैं नहीं भी उठाते हैं. तो जब किसी को कहा जाता है या आप समय के पाबंद रहिए और ज़्यादा प्रेशर अगर उस पर दिया जाए या कोई भी चीज़ को लेकर किसी बच्चे पर ज़्यादा प्रेशर दिया जाए तो क्या क्या हो सकता है एंड वो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके साथ वो पर्सनैलिटी कैसी बनती है. तो कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी सी तो प्लॉट आपको बता ही दी है फिल्म में क्या होता है बट देन ऑब्वियसली देयर इज अ ग्राफ टू इट एंड आपको एक एक इट्स अ जर्नी एंड विद अ लिटिल स्मॉल मैसेज. नहीं ऐसा साइको किरदार नहीं कहूँगा मैं एक्चुअली उनको मजाक कर रहे थे. क्या है कि एक ये जो कैरेक्टर है इसका शेड्स ऑफ इसके
शेड्स ऑफ ग्रे, और इसके ब्रेन में इसके फादर की छवि बनी हुई है, इमेज है, क्योंकि पूरी उम्र पूरा बचपन उसे मार पड़ी है, टॉर्चर किया गया है। एक आप छोटे से 10-11 साल का बच्चे का सर पकड़ के आप रेल के पटरी पे डाल दीजिए और वेट कीजिए ट्रेन आ रही है, और सामने आते ही उठाइए तो घबरा जाएगा, बिल्कुल हिल जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट ये सब जो टॉर्चर उसके फादर ने किया है उसकी वजह से थोड़ा सा उसके पर्सनैलिटी में एक वो नॉर्मल नहीं है, बट उस चीज़ को नॉर्मल करने के लिए जहाँ एक फिल्म में इंसिडेंट होता है वहाँ पर अपनी लाइफ को और ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए वो एक गेम खेलता है जिसका नाम है 30 मिनट्स, तो विच इज़ क्वाइट अ डेंजरस गेम। वो क्या उसका रिजल्ट निकलता है, क्या होता है, वो तो आप ऑडियंस जाके देखिए, क्योंकि सस्पेंस भी है उसमें, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। अदरवाइज लड़का नॉर्मल है, स्टोरी के हिसाब से बहुत इनोसेंट है, रणबीर कपूर के साथ में भी देखा है, जो इन्होंने गुल खिलाया वो सारी दुनिया देखती है इनको। वैसे ये एक्टर तो बहुत ही अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट इट, एंड आई मीन मैं तो हमेशा इनको कहती हूँ, एंड आई टेल अ लॉट ऑफ पीपल इज अ गुड एक्टर। एक्चुअली गुड एक्टर्स की जो क्वालिटी होती है वर्सेटैलिटी होती है, एंड क्योंकि ये कॉमेडी कर चुके हैं और हम लोग इनको देख चुके हैं कॉमिक रोल्स, तो टू टेक दिस स्टेप इट्स वेरी वेरी गुड फॉर हिम कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ रोल होगा, एंड कन्विंस, ये जब मैंने देखा भी थोड़े रशेज आई थॉट इट वॉज वेरी कन्विंसिंग। तो जब ऐसे एक्टर्स एंड स्पेशली आज के टाइम में जब एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो भी बोले आप उनको अगर ऐसा मौका दिया जाता है तो इट्स इट्स फन, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर हिम टू कम विथ अ फिल्म लाइक दिस। वो अलग बात है कि कॉमेडी हम दोनों बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, हम सीरियस हो नहीं पा रहे थे ये फिल्म में, बट या आई गेस वी मैनेज फाइनली कर पाए, कर थोड़ी थोड़ी बहुत कर पाए थे जी। जब इस तरह से एक ब्यूटीफुल लेडी इतना अच्छे इतने ब्यूटीफुल कमेंट करती है, लाइव कमेंट करती है, तो क्या कुछ फील होती है आपके? दिवाली अभी खत्म हुई, मेरे फायर वर्क अभी भी चल रहे हैं, मेरे फायर वर्क चालू हो गए, पूरी दिवाली शुरू हो गई अंदर। बहुत खुशी होती है यार, को एक्टर हैं रिचिता इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, और जब कोई एंड वी आर गुड फ्रेंड्स ऑल्सो, तो कोई इंसान आपकी तारीफ करता है तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब तो मतलब मेरे को लग रहा है मैं कहाँ जाके भागूं उड़ूं, जेनुइनली बोला है तो मैं जेनुइनली थैंक यू बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी मजाक उड़ा रहा हूँ। आई एम हैप्पी अबाउट इट, एंड आई एम ग्लैड कि जब उन्होंने रशेज देखे उनको लगा कि कुछ कन्विंसिंग काम हुआ है, बिकॉज दैट शी इज ऑब्वियसली माई सीनियर ऑल्सो, उन्होंने कई ज्यादा फिल्में की मेरे से, तो एक सीनियर आर्टिस्ट कोई भी मेरे में मोर देन दैट प्रिडिक्टेबल जो होता है कभी कोई एक्टर, जैसे हमें लगता है, मैं बहुतों के नाम भी लेना नहीं चाहूँगी, बट ऐसे होता है जब वो कोई एक्टर अलग कुछ कर लेता है तो ऐसे लोगों को लगता है दैट द ऑडियंस एक्सेप्ट इट, एंड एक तरीके से विद वॉट एवर वर्क ही हैज डन ये कुछ हटके होगा फॉर हिम फॉर श्योर। जी चलिए सर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि फिल्म आपके प्रोडक्शन की पहली फिल्म है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आ रही 11th of November, कुछ प्रेशर फील करते हैं क्योंकि पहली बार आपका ये डेब्यू भी हम कर सकते हैं और भी कई सारी फिल्में आ रही 11th of November? हाँ देखो, प्रेशर ऐसे नहीं कि कोई बहुत बड़ा प्रेशर मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली इंडस्ट्री में देखो हर जोनर की पिक्चर बनती है रेगुलरली, जैसे कोई थ्रिलर है, कोई रोमांटिक है, कोई इस तरह के सारे जोनर की पिक्चर बनती है, लेकिन मैं ये आपको भी अभी इसको देखेंगे तो इस दौरान जो पिक्चर आ रही है जो हमारे साथ जो रिलीज़ होने क्या, हमारा पिक्चर की जोनर एकदम डिफरेंट है, और जो कंटेंट मैं अभी जो दे कर रहा हूँ, जो डिलीवर कर रहा हूँ, वो बिल्कुल अभी तक कोई फिल्म उसी कंटेंट पे बना ही नहीं है। मतलब जो उस टाइम और पंचुअलिटी के ऊपर जो कंटेंट है, अभी तक कोई फिल्म ऐसे नहीं बना है जो सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। आप उसको कोई भी मूवी देखेंगे, लोगों को इस समय मुझे लगता है कि लोगों को एक डिफरेंट स्टोरी और डिफरेंट जोनर के मूवी पिक्चर चाहिए होता है, क्योंकि हमें मैंने अभी पीछे का कई एक्सपीरियंस आप देखोगे, कई ऐसे मूवीज़ हैं जो बिल्कुल डिफरेंट जोनर पे बनाया, वो चलता है और लोगों को पसंद आता है, तो वो एक कॉन्फिडेंस है मेरे के अंदर, मेरे को इसलिए मुझे पता है कि मेरा सब्जेक्ट है लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आज के टाइम में जो सब्जेक्ट की ज़रूरत है, जो पंचुअलिटी जो हम बिल्कुल नहीं करते, जो जिसमें हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो एक सब्जेक्ट है जो पहले कभी नहीं हुई है, वो इस समय पब्लिक के लिए वो बहुत ज़रूरी भी देखना। मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर ये सब्जेक्ट जरूर आप एक देखो, क्योंकि ये क्योंकि रेगुलर हम बाकी सब्जेक्ट हम हमेशा देखते रहते हैं, तो ये एक अलग सब्जेक्ट है, इसको मैं चाहूँगा कि सब लोग एक बार ज़रूर देखें, उसमें आपको कोई फ़ायदा होगा। अलग सब्जेक्ट है, हम सभी एक बार ज़रूर देखें, लेकिन इस फिल्म में इनके अलावा और एक वर्सेटाइल एक्टर हैं जो है इनके डैडी, अगर हम उनकी बात ना करें तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल हमने उनको
टीवी की दुनिया में इतना अच्छा काम करते हुए देखा, तो ओवरऑल कैसा रहा उनका, उनके साथ का एक्सपीरियंस? देखो मैंने मैंने जो कास्ट किया करने के लिए जो पहले जो जो होता ना, क्योंकि पिक्चर बनाने से पहले हम लोग जो स्क्रिप्ट करते हैं ना, तो शुरू में हमारा दिमाग में एक कैरेक्टर बैठते हैं कि हमारा एक फिगर होता है। हाँ मैं तो बिल्कुल अलग टाइप का हूँ, तो मुझे बॉलीवुड का कोई इतना सारे जो लोग नहीं जानते, तो मैं लेकिन मेरे दिमाग में एक कैरेक्टर था कि मुझे ऐसे एक हीरो चाहिए, एक बाप ऐसे चाहिए। तो मैं खैर आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे, तो मुझे किसी ने हितेन जी का फोटो दिखाया मुझे, तो देखा तो मुझे एकदम जो मैं सोचता था वो कैरेक्टर मिल गया। तो मैं उनके पास गए, बॉम्बे मिले, तो साथ में मुझे एक फादर का भी चाहिए, बिल्कुल एक क्रूअल फादर वैसे चाहिए था, हाँ वैसे ही चाहिए था। तो हितेन जी ने बताया मेरे पापा है एक बार, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं क्या कि उनको बचपन से मैं देखा हूँ लेकिन उनको नाम से नहीं जानता था मैं, तो मैंने जब फोटो देखा तो अरे तुम इनको देखा हो, तो पता लगा इनकी फादर है। तो ये कॉम्बिनेशन इतने अच्छा लगा कि, और जब हम थोड़ा स्क्रिप्ट में डिस्कशन उस समय कर रहे थे तो कुछ चीज़ें उन्होंने उसी टाइम मुझे लाइव दिखाया ना, तो मैं तो फ्लैट हो गई वहाँ पे। मैंने बोला अब ये हो गया वो तो मेरे लैंग्वेज हो गई, फ्लैट हो गया, ये तो साउथ इंडियन में थोड़ा सा रहेगा। आपको बहुत ही खुश है कि आपको पता चला कि पता चल गया, अब फाइनली पता चल गया। हितेन जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाँ हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि कुछ इन्हें और भी नॉलेज हुआ, लेकिन जानना चाहूँगा कि सेट पे बाप बेटे का ही एक रिलेशन आप लोगों का रहता था, या सेट पे जब कैमरा ऑन होता था तब आप लोगों का क्या रिएक्शन होता था, ये आपसे जानना चाहेंगे? जी हम लोग जब वैन में बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं, जब टेक नहीं चल रहा है तो हम बाप बेटा हैं, फिल्म में भी हम बाप बेटे ही हैं, बट जब कैमरा ऑन होता था तो वी वर टू प्रोफेशनल एक्टर्स, कि दो एक्टर एक सीन कर रहे हैं वैसा था, बट बिकॉज फादर सन के ही रोल हैं तो केमिस्ट्री जो हमारी ऑलरेडी है ऑफ स्क्रीन फादर सन की जो होती है वो नॉर्मल थी, तो एक कंफर्ट लेवल बहुत था। बट आमने सामने एक्टर्स थे हम लोग, जब कैमरा ऑन था, जब नहीं ऑन होता था तो मस्तियाँ भी करते थे, हंसी मजाक भी करते थे, मस्तियाँ भी करते थे हंसी मजाक जाते रहते। एक आखिरी सवाल आप दोनों से जानना चाहें, क्योंकि फिल्म जो है 30 मिनट्स टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बेस करती है, तो आप दोनों से जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं या जितने भी लोगों को आप लोग जानते हैं, वो ऐसे कौन कौन से एक्टर हैं जिन्हें आप लोग मानते हैं कि ये टाइम के बहुत पंचुअल हैं? अक्षय कुमार नो डाउट वो मतलब उन्होंने जो टाइम बोल दिया वहाँ पहुँच जाएंगे। आई थिंक बच्चन साहब, मेरे फादर ने बहुत काम किया बच्चन साहब के साथ, मिस्टर बच्चन ऑल्सो वेरी वेरी पंक्चुअल ऑन टाइम। वो तो उनकी स्टोरीज हैं कि वो 7 बजे के शिफ्ट में वो 6:30 आ जाते थे, लाइटमैन नहीं है कोई नहीं, वो तैयार होके अपने वैन के बाहर बैठ के अपना पेपर पढ़ते हैं कि जब तुम आओगे आके काम करो। तो उस चीज़ में मैं अपने फादर को भी बहुत मानता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम के पंक्चुअल हैं। तो ये कुछ एक्टर्स हैं, काफ़ी लोग हैं और काफी ऐसे भी हैं जो सुबह की 7 की शिफ्ट होती शाम को 5 आते हैं, तो कोई बात नहीं। Yes, I am with him on this, absolutely. Okay, finally film 11th of November को रिलीज हो रही है, तो अपने चाहने वालों को, अपने व्यूअर्स को आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही 30 मिनट्स देखिए, एंजॉय द फिल्म, एंड थ्रिलर है एंड आपको पसंद आएगी। आई एम वेरी श्योर जब ऐसी कोई फिल्म आती है जो इट वोंट बोर यू फॉर श्योर, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग एंड फास्ट पेस्ड, गो वॉच इट। सब लोग कहते हैं हमारी फिल्म अलग है, हमारी फिल्म में कॉमेडी है, ड्रामा है, ये वो है, हमारी फिल्म में भी वो सब है, लेकिन हमारी फिल्म थोड़ी सी हटके है क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। लास्ट शायद फिल्म के लास्ट 30 मिनट्स में आप शायद सुसु करने नहीं उठ पाएंगे क्योंकि इतनी पेस है, इतनी फास्ट फिल्म है, बट इंटरेस्टिंग है, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड फॉर श्योर। तो प्लीज़ हमारी एक इस ब्यूटीफुल फिल्म को चांस दीजिए और थिएटर्स में 11th नवंबर को जाके देखिए। चलिए हम ऐसी आशा करेंगे कि फिल्म देखने के पहले ही लोगों को इतना प्रेशर आए, फिल्म देखने के बाद वो अपना प्रेशर निकाले। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक साथ में ले लो आप दो तीन मगर क्या वहाँ पर पेन एक ही है, झगड़ा होगा। आपने तो दे दिया, शेयरिंग इज केयरिंग प्लीज। ऐसे पकड़ लेते हैं। ओह गॉड, लीजिए लिखिए। चलो लिखो, मैंने लिख दिया। मैं कितनी बार लिखूं, मेरा होगा, मैं क्या करूंगा। बस एक फोटो लेनी है, इस सेट पे आ जाओ। ये ऑक्शन होगा तो आधे पैसे हम लेंगे, कुछ तो पैसे कम आधे मतलब आधे आधे पूरे लेंगे, आधे आधे उनको थोड़ी।